वेलकम बैक गाइस। मैं गाड़ी की सर्विसिंग लेके आया हूँ आज। काफ़ी अच्छे से धुलाई हो रहा है यहाँ पे। सिल्चर का है ये, बलेनो एक आया है यहाँ पे, और यहाँ से एंट्री है इनका। ये कुछ इस तरह से दिखता है सिल्चर का नेक्सा सर्विस। तो वॉशिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है। नीचे लाए हैं अभी, देख रहे हैं ब्रेक पैड्स पे रस्टिंग या धूल जो भी जमा हुआ है, तो उसको चेक कर रहा है ये बंदा। इक्विपमेंट्स लेकिन काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, आपको इसको सफाई हो रहा है यहाँ पे। अभी इसको फिर से लगाएंगे, काफ़ी ख़राब हो चुका है मेरा व्हील। ये मेरा फोर्थ सर्विसिंग है। वैसे तो मुझे 10,000 में करा लेना चाहिए था, बट मेरा अभी 11,000 हो गया है, 11,000 पे करा रहा हूँ। तो इंजन ऑयल लोग बोल रहे हैं, इंजन ऑयल, फिर ब्रेक ऑयल, कूलेंट, फिर एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ये सब चेंज करना पड़ेगा। और मुझे भी लगता है ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, मैंने भी खुद देखा है। तो चेंज करना बेहतर है सर आपका, क्योंकि टू व्हीलर तो है नहीं, फोर व्हीलर है, तो सही से रखना बनता है फोर व्हीलर को। इतना पैसा दे के आप ख़रीदते हैं तो ठीक से तो रखना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसका लग रहा है, ये लोग इंजन ऑयल चेंज करेंगे अभी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नीचे से निकाल रहे हैं इसको, पुराना वाला निकालेंगे फिर नया वाला डालेंगे। ये देखिए, तो काफ़ी सही है, डायरेक्ट ऊपर से गिरा रहे हैं ये लोग। तो नेक्सा का सर्विसिंग देखिए आप, सही है, बट ये लोग का एक ही चीज़ जो मुझे थोड़ा सा माइंड में हिट करता है, वो है इनका लेबर चार्जेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कैसा है आप बताइए कमेंट सेक्शन में, कैसा लगता है। तो ये नीचे का दिखा देता हूँ, ये बूट स्पेस है मेरा, एग्जॉस्ट है। सोच रहा हूँ इसको चेसिस पेंट कराएं, तो देखते हैं, कराऊंगा तो मैं वीडियो डालूंगा। आपने कराया कि नहीं बताइए कमेंट पे, कराना चाहिए या नहीं बताइए, तो मैं कराऊंगा इसको। और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। और चैनल ग्रो में भी काफ़ी आपका सपोर्ट रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। इंजन ऑयल चेंज हो चुका है अभी, देखिए कूलेंट मैंने चेंज कराया है, एयर फिल्टर भी अलग करवाया है, ब्रेक ऑयल भी मैंने चेंज करवा लिया है। और जो जो चीज़ मैंने डाला है मैं दिखाता हूँ आपको, जितने भी कंपोनेंट्स हैं लोगों ने डाले हैं, एक एक करके मैंने चेक किया है। तो आपको भी देखिए, जो भी वो कर रहे हैं आप इसको चेक करना बनता है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं उसके लिए, और ये लोग मना नहीं करते हैं। कुछ कुछ शोरूम में आपको मना कर सकते हैं, बट मैंने तो बोला है मैं तो देखूंगा जो जो आप लगा रहे हैं, तो उन्होंने दिखाया भी है। ये देखिए, ये वाइपर के लिए शैम्पू डाला है उन्होंने, और ये कूलेंट है, ये इनका जेन्युइन है, इनका सुजुकी का, 270 रुपीज़ में आता है कूलेंट है ई स्टार। और ये है मेन प्रोडक्ट इंजन ऑयल, नेक्सा से ही है ये भी, ग्रेड 0W16 है, और 3.5 लीटर का आता है, 1575 रुपीज़। तो ये लेकिन वो लोग कमा देते हैं बिल पे, 1350 का बना देते हैं बिल पे। और ये ब्रेक फ्लूइड डाला है, ब्रेक फ्लूइड भी मैंने चेंज किया है। तो मेरे हिसाब से तो जितना मैं चाहता हूँ कि आप लगाएं ओरिजिनल, ये बैटरी के लिए है स्प्रे, ताकि जंक या कार्बन जमा ना हो, बट ये बहुत कॉस्टली आता है भाई, मैं आपको बताता हूँ। दो स्प्रे के लिए 222 रुपये लेता है ये लोग, लगा लीजिए जो भी है। ये ख़त्म हो गया अभी, ये बाहर लेके आया हूँ मेरी गाड़ी को, काफ़ी साफ लग रहा है, ख़त्म हो गया है। ये फाइनल लुक्स देखिए आप, चला के आया, काफ़ी अलग फील हुआ मेरे को, सर्विसिंग के बाद तो फिर अलग ही आता है, आपको पता है। और कार है तो आप
बहुत सालों तक चलाएंगे तो टाइम टू टाइम सर्विस कीजिए, रिक्वेस्ट है। और आपका आपके पास अगर इग्निस है या कोई भी गाड़ी है तो आप सर्विसिंग आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए मेरे साथ कमेंट्स पे, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपने शेयर किया, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप काइंडली उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे